बुधवार को अष्टमी तिथि है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक खोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, पांच बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर पांच बेलपत्र रखकर बुधवार और अष्टमी तिथि जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा भी कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की भट्टी, पांच बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाए, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार एक एक देखो, बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है, तो जिन लड़का जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं हमारा। जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, बहुत परास्त हो गए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हल्दी लगाओ, उस हल्दी को लेकर थोड़ा सा भाग पीपल पर लगाओ और पीपल के वृक्ष के नीचे हाथ में हल्दी को लगा लीजिए। अष्टमी तिथि हो या प्रदोष का दिन, ये दो में से कभी भी कर सकते। मंगल विवाह वो लिखेगा तो हो, और कैसा लड़का मिलना है, कैसी लड़की मिलना है, कैसा परिवार मिलना है, जैसा चाहिए वैसा शिव जी को बोलो। मेरा निवेदन रहे महाराज, जिन बच्चों के नयन कमजोर हो और जो शिवरात्रि तक भी शहद का इंतजाम ना करते हो, बच्चों के नयन कमजोर हो गए हो, चश्मा चढ़ रहा हो, चश्मा लग रहा हो, उन बच्चों के लिए भी भैरव मंदिर में तेल का दिया लगाकर उसकी काजल बनाकर काल भैरव का स्मरण कर उसमें घी मिलाकर भैरव बाबा के नयन बिंदु को लगाकर वही काजल बच्चों की आंख में लगाना प्रारंभ कर दीजिए, नेत्र की रोशनी अपने आप बढ़ना प्रारंभ, काल भैरव का स्मरण। पर डॉक्टर को जांच जरूर कराना हो। आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश के दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार पांच बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर चबा चबा कर खाना, उदर की प्रॉब्लम,
जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी पांच बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, जितनी भी होगी, समाप्त। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि सात दांत कांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और गणेश जी को समर्पित कर दो, उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो, दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें, आधे घंटे तक करने पर प्रदोष काल में स्नान कर लें महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन करकर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र, 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र, और महाराज टीका दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको बताना जरूर, करके देखो एक बार गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, नए नए धार्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।